हाजरीन जमाओ सब मिलके बानियान दे मरहूमीन वास्ते अपने मरहूमीन वास्ते मुश्तरका सूरत फातिहा पढ़ो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दरूद पाक सारे अल्लाह रबुल इज्जत बतुफैल चहार दा मासूमीन अलैहि सलातो वसलाम करीम अल्लाह इबादत कबूल फरमाए। मुहम्मद और आले मुहम्मद दा सदका जुमला इमाम हुसैन दे अदादार जितने जितने कदम तुर के इबादत दी नीयत ते आयन अल्लाह हिक हिक कदम दे बदले अजरे अजीम अता फरमा। मालिक 14 दे सदके शबीर दे अदादार अल्लाह किसे कमीने दा मोहताज ना बानियान दे रिज़्क़े च अल्लाह बरकत पावे। मालिक ठोक वस्त रखे ये जड़ी वबा आई वदी है 14 दे सदके अल्लाह ई मूजी मर्द को टाले आमीन। सारे आखो हजरत इमाम हुसैन दा जिक्र पाक में पहले होंदा है उवें होवे ते बादशाह दी आमद तक होवे। दुआ मंगी करो जो अल्लाह साडे इमाम दा जल जहूर आमीन। सारे आखो अपने वारस ते आमद दी दुआ वास्ते हजरत इमाम हुसैन दे अदादार हर वेले हर साह साह नाल दुआ मंगें। इमाम तशरीफ गे नावें सादात दे वेड़े वस पो ओ सैन वसे जड़ी मदीने च बिरा दे कदमा दे निशाना ते ताजा मुंह रख के दी है अकबर तुस तनवल सो जन मैं मरवे सा ए हजरत इमाम तारे चेहरे मैं त्रै दफा भेण बिरा दा दवारा उना गार टक्के दी औकात नहीं ई कबर च पता लग सी एक एक हांज दी कीमत हुसैन दी अम्मा एडा देसी नबी कीमत न पा सकते। ते साईं दा फरमान है हुक्म है जेड़ा सारे दुख सुन के रो ही न सके दुखी गमगीन शक्ल च बनावे अस उंदी जन्नत दे जामिन है। इमाम आवे पीर जी मुर्शिदादा साड़ी सैन एक लफ्ज अपने बाबे दा पांजी हाफिज मोहम्मद अली खान पढ़दा हुंदा ही हजरत इमाम हुसैन दी गरीब दी 7.5 साल दी बुढ़ी दी हाय चक्करों दिया दे पढ़दे हो ने 7.5 साल दी बुढ़ी दी बस कोवे बिरा दा पलू बधे बिस्मिल्लाह 40 घर च इकली रह गई। कितने घर च 40 घर च इकली रह गई। मामल तो सवार थई होई को अकबर लहाया देख अकबर मामल तो नहीं मैं तेरी भरी जंज तो पई लांदिया चल तेरे बछड़े जीवन सजन टुर गए कली रह गई। सारा सारा दिन बेरा दे पेरा ले निशाना दे मुंह रख के मुर्शिदादत परी डारी रोवेया रो रो क्या क्या अकबर एक मैं भी अल्लाह फादा कोई जाकरी दावा नहीं मैं तारे मेरा तो बाखो भी वाकिफ हाँ चिट्टी दाड़ियाँ ले बैठे हो नौजवान बुजुर्ग अमीर गरीब
लफ्ज़ अपने बाबे का आखना चाहता थोड़े तक अमान है बिस्मिल्लाह सारा सारा दी बिरा दे पैरों के निशाना ते मुंह रख कर रोया आखे अकबर जना दे तुस टुरे वे ना ते मैं कोई एडी गरीब थी गई हाँ पूरे मदीने जड़े मैं को बिराम वाली भेण गली चांदा देखे ना एक बार को दिन बिरा लुकाओ बिरा मम्मो आ गई है अकबर मेरा अपना नसीब तुसे टुरे वे मैं बिरा मम्मो दी सके अल्लाह तो उस दर रखे दिया दे पर्दे जरा बहु मूंजी थी वे ना वत हवा दे हत बिरा दो सनिया भेजिया कहें दे हत हवा दे हत रो रो क्या क्या वन जा खवा मेरे वीरन को ते को पहिए भेंट सदेंदी तेरा मातम करके सर जख्मी है कोई सेंगी नहीं सुनने दी बीबी आख्या मैं को सतवीं दा नहीं भांदा पानी पहिया धोपते वक्त निभाएंदी तेरे हिजरे एडा मजबूर किता है हाँ औखा सजदा दें त्राए सफर बिस्मिल्लाह रो पावे तो मैं अपने हदीस निके फेरा आरफ बंद हो को मन की उम्र दिया वो तो एक मित्र कसीदा वो तो एक बंद त्राए सफर कदन चाचा त्राए सफर सारे इमाम दादार बोलो चा कदन त्राए सफर हजरत इमाम हुसैन दी धी दी जिंदगी दा आखरी दी दरबार साहब जद यकीन था ना चाचा जी न भाई न बचती हाय साहब भाई जान जद यकीन हो ना इमाम दी धी को भाई अशरफ न बचती बहु मुंजी तई बिस्मिल्लाह कर हुसैन दी धी यकीन था जो न बचती थोड़े बचड़े जी में वत हुसैन दी धी बिस्मिल्लाह मुखातिब तई ते देख क्या दिए आए मलकल मौत आए मलकल मौत अमीर बंदा होसी जड़ा बेनियादी करवासी यकीन था इस जो ना बचती दवार साहब सर बुलंद कर कह दिया आए मलकल मौत आए मलकल मौत तू में कर आए मलकल मौत तू में कर जी में रब को भांदा होवे बीबिया दे रूह हौले हौले कब्ज करे मत अकबर आंदा होवे इमाम दे दिया दे मैं रूह जाते घिन मने जिता अकबर रहंदा होवे अल्लाह तन बचन दे बिस्मिल्लाह जी भी आख्या है मलकल मौत आए मलकल मौत तू में कर जिमे रब को भांदा होवे बिवे रूह हौले हौले कब्ज करे मत अकबर आंदा होवे इमाम दी धी गल कीती है बिवे जे मैं डरू बिवे जे मैं डरू ऊ जात घिन मने जित अकबर रहंदा होवे मैं मरा ते दाग जुदाई वाला मत दिल तो लहंदा होवे अल्लाह तारे बचड़े जीवन बहु मुंजी थी वेया बिराओ देना हकला मारिया रो वेया वैंड करिया रो रो के जेड़ी गल करिया वैंड सुनावा चा अपना अजीज हुक्म मान के मलिक साहब दुआ फरमा छोड़े सो रो वेया बुट बुर वंजा वैंड कर के आख्या रो रो के आख्या वीर वे जड़ी दा टोर परदेस गया है मदा मार करो रोक मैंड करके आख्या मैं कुछ
कुंवारे उठेगा कोई नहीं। क्या बात है भाई, दिया तो पढ़ते हो ने भी आवाज जी। मैं अपने अजीत को मान के एक मिश्रा पढ़ छोड़े, अखा साफ करके एक सलवार फोड़ो। अच्छा ये मजाज इमाम दीदी, चलो एक मित्रा बात ये पढ़ो, जब मतलब नाराज थी वे। इमाम दीदी एक दुआ मंगो, भावे बुजुर्ग बैठे भावे नौजवान, सदका अली अकबर दी भेण दा शाला कड़ा का भिरा दी भेण दुखी न होवे। पुरशे दादा जेडी भेण है ना उक भेणा माथे वडे मान होले। बिस्मिल्लाह अली अकबर ते वो वड़ा मान है, आख्या हिकम यतीम हिक यतीम भी अकली रह गई फेरा उदना हकला मारे रो रो वैण करके आख्या रहे कोल फेरा मशीरा दे दुखिया वलले परवादी तद कोई अरमान न लिख दी मैं यद सारे ते मैं बाहों दी वीर वे जितना तेरा दे सम को मैं कुआ रखे भाई एक मित्रा है वो छोड़ी वाला, चल वही पढ़ी वाजो मत बीबी नाराज आके हिक मैं यतीम मरी अपनी हमशीरा दुखी रही है, मैं इलाज करा करा थक गया। मैं कुआ कर भाई जान मैं शाम मनी बीबी को दुआ मांग, मैं उठे शाम बीबी को टिको मेरा मकू भेण भेरावत वने मारो। पहले एक ही जाते वा थोड़े से खोल रख एक मित्रा भैया अख्या हिक मैं यतीम एक यतीम अकबर में कुरोने रोने धूप ते निंद्रा वे नी मैं कुछ छात उठा के ना छात बिलावड़ा लग कोई नहीं भेरा अदना हकला मारे वैन कर के रो रो के खता नहीं दे रखे दरूद अपना नाल एडी इबादत है एडा सवाब है जेडे सवाब दे तादाद दा शुमार अल्लाह दे फरिश्ते नहीं कर सकते। हजरत इमाम हुसैन दे अलादार दरूद पाक सारे बा जमात खुले चेहरे नाल पढ़ो अल्लाहुम्मा। इमाम हुसैन दी शान दा कसीदा पढ़ दे वे पढ़ो चाचा। जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है, जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है, जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है, जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है, जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है, जिसने अपनी अजमत से फर्श को अर्श बनाया है, जिसने अपनी अजमत से
فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنے عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنے عظمت سے سننے بیٹھے ہوئے تھے جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے مولا ہند بھائی جان ڈو کیڑے کیڑے عرش مولا تے کربلا مولا جڑے ای مولا کربلا چ تھی آیا او تے بولو نا او مولا ہائی عرش مولا ہائی تے اے دش تے نین واہ ایک مولا بنایا گیا کائیں بنایا بس ای توجہ تھوڑے بچے جی جس نے اپنی عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنے عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنے عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس نے اپنے عظمت سے فرش کو عرش بنایا ہے جس کے خون کی خوشبو نے قدرت کو مہکایا ہے جو انسان کی صورت میں سنی علی میں آیا ہے نور کے لبادے کو حسین کہتے ہیں گھبرایت نہیں بیٹھے دیر دیا بعد مولا کا ذکر تھارے نصیب تھی نا پے تھوڑا تھوڑا بولو اللہ پاک وستا رہے کون حسین دوار صاحب کتنی عظمت دا مالک حسین کہندا کہندا لگدا حسین مرشد آدھا کیڑا بادشاہ حسین کتنا لجپال حسین توجہ فرمائے بھائی میں پیالا مرضی مرضی چلائے ایک کہیں دی مرضی دے اتے وان کے اپنی مرضی چلاونا اوکھی گل ہے کہیں دی مرضی دے اتو وان کے تے اپنی مرضی چلاونا اوکھی گل ہے نبیاں دے نبی ساڈے سارے نبی اپنی مرضی کولوں اپنے اللہ کو کیتا سجدہ اتو حضرت امام حسین ساڈے تھوڑے پیر آ کے اپنی مرضی چلا کے نانے دی کنڈ دے چڑھ اتے چڑھ بیٹھا ایک وا دن مرضی پہ جو مرضی چلائے توجہ فرمائے بھائی مرضی کو حسین کہتے ہیں اللہ کے ارادے کو حسین کہتے ہیں ایک شیر اور بھی پڑھ جلو جی ٹائم ڈھیر تو نہیں پڑ گئے چلو خیر بہت پیارا شیر جی ایک اور بجتا پہ تھوڑے کو دعا کے کائنات دی قیمت ہے شیر جی
तवज्जो फरमाए, कौन हुसैन में प्यादा जिसके खुदा नाद मनावे वही को तो हुसैन आ दे, जिसके खुदा भी नाद उठाए। नियाज खान लाहो पे लिखे को बदलाए, लोहे महफूज रहब ते मुकद्दर तो औलाद कोई नहीं। हजरत इमाम हुसैन बचपन साथ लिखवा दे, तवज्जो फरमाए भाई, जिसके खुदा अल्लाह में पर देवे। मैं उड़ उड़ के हाफिज मोहम्मद अली खान दा शेर तो पढ़ी जुला पा। कौन हुसैन जिस दिन मकाम ते बैठे तवज्जो होवे सजदा खयाम दा विद है ना, वो इमाम हुसैन दी अम्मा को बहुत ढेर प्यार है। उसकी वजह है जो भेण भिरा दी आखरी मुलाकात कहंदी, भेण भिरा दी आखरी मुलाकात बहुत मुख्तसर दी। भाई बारो कसीदे तो दूसरा तीसरा पढ़ छोड़े। छोड़ी में जी मुसलमान
ਵਸਦੇ ਹਨ ਕਦਾ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਸਦੇ ਆਏ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਰ ਲਿਖਾ ਚਾਚਾ ਮੰਗਣ ਆਵਿਆ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤਧੀਰ ਬੜਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਨਿਆਣ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਵਸਦੇ ਆਏ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੰਗਣ ਆਵਿਆ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਆ ਤਧੀਰ ਬੜਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਵੈਂਦਾ ਆਈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਮਝ ਆਈ ਵੇ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਚਾ ਕੌਣ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਵਸਦੇ ਆਏ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੰਗਣ ਆਵਿਆ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਮਾ ਯੂਰੀ ਜੁਲਾ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝ ਵੈਂਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਡਾ ਮੁਹਰਮ ਲੜੀਏ ਕੱਟਿਆ ਬਰੂਹਿਨ ਝੁਕੀ ਕਮਾਰੇ ਬਚੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿਗਰ ਚਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹਾਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂ ਦਾਦਾ ਰਹੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਏ ਸਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੱਬੇ ਲੰਘਵੈਂਦੀ ਏ ਬੇਣੀ ਦਾ ਬੂਆ ਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਸੈਨ ਥੱਕ ਪਏ ਵੇ ਭੇਣੀ ਦਾ ਬੂਆ ਆਇਤ ਤਧੀਰ ਪੜੀ ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੇ ਦੇ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਸਦੀ ਆਂ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਏਨ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜਦੇ ਆਏਨ ਅੰਮਾ ਸਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਵੰਡੇ ਕੌਣ ਸਵਾਲੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਾਵਾ ਮੋਈ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਦਈਏ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਅੱਡੀਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਜੜ ਗਈ ਏ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਫਿਰਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਿੰਨਣ ਆਈ ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਡ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ ਆਈ ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਬੀਬੇ ਦੇ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਵਾਕ ਤਸੀ ਭੇਣ ਬੈਠਿਆ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਭੇਡ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਭੇਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆਂਦਾ ਮਿਲਣ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਰਵੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੋਇਆ ਉਹ ਮਰਵੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਦੀ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੇ ਲਵਾ ਦਈਏ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਕ ਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜਰੂ ਮਜਰੂ ਤਸਵੀਰ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆ ਦੇ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਥੱਕ ਪਿਆ ਹੋਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਿੰਸਾਈ ਪਿਛਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ
आप सही मोहब्बत नाल कोशिश की आखिरी नीयत आ कर देगा रोवो नहीं इस बंद पे छोड़ो एक बंद जब पढ़दा एक गल का जवाब नजर अल्लाह नियाज हुसैन सारे बोल के दो की हो जावे लो सी जद हुसैन आखिरी बार भेणी को मिलन आया सी आए तो करो कोई गल नहीं है जिन्हें भेण को पता ही हो जो सा आखिरी बच के भाई जा मनना तो जीना नहीं बलना इमाम अंदर आए इमाम अंदर आए तो भेणी खोल आई बीबे दे हुसैन थोड़े पुत्रां दे अरमान मेहमानां दे अरमान बीबे दे हुसैन थोड़े पुत्रां दे अरमान मेहमानां दे अरमान बादशाह फरमा भेण मुकान हो गई जख्मिया तसा बचड़े टुर गए मिन्नत ला पुरानी पोशा गिना बीबे दे हुसैन तू को गरीब अंगुश्तरी सुलेमान दी देनिया जिरा दाऊद दी देनिया दस्तार नाने दी देनिया तलवार बाबे दी देनिया पर हन हसन दी देनिया जिमे अमीर उमे अमीर बन के वन बहुर ने भेण दे सर ते बोसने कद घिनिया घिनिया पोशा पुरानी बीबी हुण पैदा ही जग परदेसी तू देख गिने और लाले दाई मेरी लाश ते लुट पाए सही आला